नमस्कार, टॉपिक ऑन डिमांड में आपका स्वागत है। आज का जो प्रश्न है वो आपके शिक्षण का जो पोर्शन है उसमें लैंग्वेज जो पेडागॉजी है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे एक आध प्रश्न आ ही जाते हैं। चॉम्स्की का सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो हमने चॉम्स्की को पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम फिर से रिवाइज करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट है। जैसे चॉम्स्की को हम जानते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंद हैं, लेकिन इन्होंने कहा क्या कि बच्चा जो आपका ग्रामर है वो कैसे सीखता है, लिंग्विस्टिक जो आपकी प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ों को मेंशन किया, जैसे यूनिवर्सल ग्रामर को मेंशन किया, और इन्होंने और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर को भी इन्होंने मेंशन किया, इन्होंने LAD को मेंशन किया, इन्होंने 4 स्टेप बताया, Type 0, Type 1, Type 2, Type 3, और इन्होंने कई चीज़ें बात की, जैसे कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के थ्रू अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि इनपुट कैसे कोई अदर जो आपका एडल्ट स्पीच देता है, और कैसे वो प्रोसेसिंग होती है बच्चे में, और कैसे वो आउटपुट देता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इन्होंने कहा क्या है। तो इन्होंने कहा है ऑल चिल्ड्रन हैव एबिलिटी टू एक्वायर डेवलप एंड अंडरस्टैंड ग्रामर, मतलब कि सभी बच्चों की ये एबिलिटी होती है। इन्होंने एक चीज़ और कही, बर्थ से, मतलब जब बोर्न होते हैं ऐसी एबिलिटी के साथ, मतलब कोई भी बच्चा ऐसी क्षमता के साथ जन्म लेता है कि वो ग्रामर को ग्रहण कर सके, उसको डेवलप कर सके और उसको समझ सके। तो यहाँ पे अगर इनकी बात को समझा जाए तो हम समझ जाएंगे कि इनका सिद्धांत है क्या, कि जो चीज़ें जैसी हैं, जैसे अनुकरण तो होता है, पुनर्वलन तो है, लेकिन एक आपका सिस्टम है जिसमें क्रिएटिंग होती है आपके नॉलेज की, जैसे फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, मतलब संश्लेषण होता है, किसी चीज़ का निर्माण होता है, और ग्रामर हम कोई या कोई बालक सीखता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने बात कही चॉम्स्की ने, उसके अंतर्गत जो बातें आएंगी हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि LAD की बात की, तो इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछता है, तो लैंग्वेज एक्वास्टिक डिवाइस, यहाँ पे हम जानते रहेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बात पूछता है अक्सर प्रश्न यूनिवर्सल ग्रामर के थ्रू पूछता है। उसके बाद जो इन्होंने जो चीज़ें कही, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, इसके बाद इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम इनेट थ्योरी है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें LAD की, तो ये सिर्फ एक बीच का पोर्शन है, सिर्फ यही पूरा सिद्धांत नहीं है। जैसे हम इनपुट करते हैं कोई चीज़, फिर हमें प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर में और आउटपुट दिखता है, वैसे ही लैंग्वेज भी होता है। तो इनपुट अगर बच्चा सीख ही गया तो उस बच्चा तो इनपुट करेगा नहीं, जैसे कोई एडल्ट है, उससे बड़ा है, वो कोई चीज़ बोलता है तो उसके लिए वो इनपुट हो गया, वो जो लिंग्विस्टिक डाटा है वो आपका इनपुट का कार्य करेगा। फिर वो जब जाता है LAD में, तो जैसे कुछ चीज़ें उसकी जनरल होती है और कुछ ग्रामेटिक, दो पोर्शन होंगे, कुछ चीज़ें सामान्य होंगी और कुछ व्याकरण से संबंधित। LAD में क्या होता है कि वो प्रोसेसिंग होती है, वो बच्चा क्रिएट करता है किसी चीज़ को, जो है सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, और एक संरचना का निर्माण करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद आउटपुट देता है। तो बच्चा क्या करता है, स्पीच करता है, मतलब स्पीक करता है, यहाँ पे चाइल्ड स्पीच होती है, तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस सेंटेंस, ये बच्चे के अंदर आउटपुट हमको दिखता है। बस इतना सा सिद्धांत है कि कुछ चीज़ें हम इनपुट करते हैं तो वैसे की वैसे ही अगर कर रहा तो अनुकरण है, कोई पुनर्वलन देके उसको लालच देके करा रहे हैं या कोई मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ करें वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ क्या होता है, क्रिएट होता है, कुछ सिंथेसिस होता है यहाँ पे, कुछ जनरेट होता है, कुछ ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारी LAD के थ्रू होती हैं। तो ये एक डिवाइस की तरह, हाइपोथेटिकल डिवाइस है, ऐसे असली में कोई डिवाइस नहीं होती, एक्चुअली में कोई डिवाइस नहीं होती, वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल, मतलब हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये परिकल्पित करते हैं कि एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को सीखता है। उसके बाद जो इसका प्रश्न और भी आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो 4 प्रकार के ग्रामर बताए, Type 0, Type 1, Type 2, Type 3। Type 0 जो आपका होता है वह होता है आपका रिकर्सिव एन्यूमरेबल, उसके बाद इसकी अगर बात की जाए तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है कंटेक्स्ट सिंथेसिस, यहाँ पे क्या होता है, इसको Type 1 कहते हैं। अगर कंटेक्स्ट फ्री है तो Type 2, और रेगुलर जो आपका होता है वो Type 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका कुछ पॉइंट है जो हमको जानना है। अगर मोटा मोटा जाने तो चॉम्स्की के अनुसार बालक बच्चा जो है वो कैसे सीखता है भाषा, तो उसके अंदर जन्मजात एक क्षमता होती है, जन्मजात
यह क्षमता होती है कि वो ग्रामर को ग्रहण कर सके, उसका विकास कर सके और उसको समझ सके। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट आपका ये सिद्धांत है। ये हिंदी में भी आप ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं, किसी भी अदर लैंग्वेज में। लैंग्वेज पेडागॉजी का ये प्रश्न है, लेकिन लैंग्वेज में हमने इंग्लिश में इसको बहुत ज़्यादा फेस किया है, अक्सर क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इस टॉपिक पर चर्चा की गई है।